अगर मैं कहूं कि सलमान खान इस इंडस्ट्री के फोरमोस्ट टैलेंट हैं, तो आई एम श्योर ऑलमोस्ट आप सब इस बात से सहमत होंगे। क्यों है ना, आफ्टर ऑल इस लेवल के सुपरस्टार बनने के लिए ना सिर्फ एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए बल्कि गुड लुक्स, चारिज्मेटिक, फोटोजेनिक और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को लेकर समझदार भी होना पड़ता है, और ये सब रिक्विजिट्स हैं सलमान खान में। इसीलिए तो भाईजान की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग भी है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं सलमान के फैंस में सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के लीडिंग सेलिब्रिटीज का भी नाम शामिल है, जिसमें पहला नाम आता है अक्षय कुमार का। जी हाँ, अभी अक्षय ने सलमान के लिए अपनी एडमिरेशन दिखाई एक ट्विटर पोस्ट के जरिए। अक्षय ने ट्वीट किया, एवरीवन नोज हु द बिग स्टार इज, सलमान खान इज ह्यूज, हिज कलेक्शंस आर ह्यूज एंड ही इज प्योरली अ कमर्शियल एक्टर। वेल, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि अक्षय की इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। और आप हमें बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। सलमान खान और कटरीना कैफ स्टार स्पाई थ्रिलर फिल्म टाइगर जिंदा है के लिए फैंस अभी से काफी एक्साइटेड हैं। और हो भी क्यों ना, वेल ना सिर्फ सलमान और कैट बल्कि ये फिल्म सलमान खान और अली अब्बास जफर की सुल्तान जैसी बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर के बाद अगली फिल्म होगी। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर घूम रही तस्वीरों को देख तो ऐसा ही लगता है कि इस फिल्म के लिए काफी शानदार और परफेक्शन के साथ सेट तैयार किया गया है। आपको बता दें, ये फिल्म मोरक्को, दुबई, ऑस्ट्रिया और मुंबई जैसे एग्जॉटिक लोकेशंस पर शूट की गई है। इस फिल्म से एक करीबी सूत्रों की माने तो सलमान और कटरीना टाइगर जिंदा है के क्लाइमेक्स सीन को अबू धाबी में शूट करेंगे। फिलहाल सलमान बिग बॉस 11 के लिए प्रोमो शूट करने में बिजी हैं। उनके लौटते ही इस क्लाइमेक्स सीन को शूट किया जाएगा। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें।